मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर घोषणा के पहले ही राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। मरवाही विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद भाजपा नेताओं ने मास्क और सैनिटाइजर के साथ मतदाताओं से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने उज्ज्वला योजना में जनता को ठगने का मामला उठाकर इस जनसंपर्क को नकारने की कोशिश की है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रही अर्चना पोर्ते सैनिटाइजर में अपनी फोटो और बैनर का उपयोग कर रही हैं। अपने जनसंपर्क को जागरूकता की मुहिम बताते हुए पोर्ते किसी भी राजनीति से इनकार कर रही हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए पोर्ते पर उज्ज्वला योजना के तहत मरवाही विधानसभा के लगभग 1000 ग्रामीणों को ठगने का आरोप लगाया है। बहरहाल इसे सभी पार्टियां इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए अपनी मुहिम में जुट गई हैं। सुरक्षित करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं सभी को संदेश देना चाहती हूं कि हम मरवाही में कोरोना से सब मिलकर लड़ेंगे और कोरोना को हराएंगे। और सभी से निवेदन करना चाहती हूं, स्वस्थ रहें, जागृत रहें और दूसरों को जागरूक रखिए इस बीमारी को लेकर। सैनिटाइजर से जो परिवार हमारे मरवाही विधानसभा में अपना नक्श जो टटोल रहे हैं, इस परिवार के बारे में मेरे ख्याल से मेरे संज्ञान में पहले भी आ चुका है।